ओम शांति। श्रेष्ठ योगी जीवन ही बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। हमें ऐसा योगी जीवन बनाना है कि तीनों लोकों में हम आराम से सैर कर सकें, जितना समय जिस लोक में स्थित होना चाहें हम उतना ही समय वहाँ स्थित हो जाएं। ये हमारी स्थिति हो जाए, चित्त संपूर्णतया शांत और एकाग्र रहने लगे, और जिस जिस लोक में हम पहुँचे वहाँ का डीप एक्सपीरियंस हमें होने लगे। परम धाम की स्वीट साइलेंस हमारे अनुभव में आ जाए, सूक्ष्म लोक का परमात्म मिलन का परम आनंद, इससे हम भरपूर हो जाएं। और इस संसार में रहते हुए हम मानव अवतरित हुए हैं यहाँ इस संसार का कल्याण करने के लिए, इस संसार में भी हम अलिप्त और बहुत सुखी होकर रहे। ये स्थिति तब आती है जब हम संपूर्ण निर्विकारी बन जाते हैं। ये निर्विकारी वॉइसलेस स्थिति ही वायरलेस की तरह काम करती है। ऐसी निर्विकारी आत्माएं ही अंतिम समय में बाबा की हर कैचिंग को, टचिंग को कैच कर सकेंगे, हर प्रेरणा को ग्रहण कर सकेंगे। वो जो कुछ हमें कहेंगे वो सहज ही हमारी बुद्धि में आ जाएगा। तो हम सभी अब संपूर्ण निर्विकारी स्थिति की ओर अग्रसर हो जाएं। ये स्थिति केवल ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मचर्य दृढ़ होने के साथ मन बिल्कुल शुद्ध, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त, विकल्पों से मुक्त, काम की कोई भी इच्छा समाप्त, काम वासना से संबंधित सभी संकल्प समाप्त, देखना भी समाप्त और स्वप्न भी सतो प्रधान हो जाए। ऐसी स्थिति जिसमें हम अपने को संपूर्ण पवित्र फील करें और साथ में न ईर्ष्या द्वेष हो, न बदले की भावना, न अशुभ भावनाएं हो, न तेरा मेरा हो, न क्रोध हो, न मोह हो, न अभिमान हो, इन सब से मुक्त आत्मा संपूर्ण निर्विकारी कहलाती है। तो एक एक चीज पर हमें ध्यान देना है ताकि हमारा चित्त पूरी तरह से निर्मल हो जाए। निर्मलता, कर्मेंद्रियों पर विजय, ये बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति है। तो ब्रह्मचर्य, पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता, निर्विकारी स्थिति, इन सब को हम धीरे धीरे प्राप्त करते चलें, तेजी से करें, संकल्प कर लें। बस एक बार हमने पवित्रता के पथ पर कदम रख दिए, हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। यही हमारा जीवन है। और अपनी प्योरिटी के महत्व को भी समझ लें, ये बहुत बड़ा प्रकाश है संसार के लिए, ये बहुत बड़ी चीज है। इससे जग का कल्याण होगा, इससे प्रकृति पावन होगी, जिसको भी हम दृष्टि देंगे उसे बहुत श्रेष्ठ अनुभव होंगे। हमारी दृष्टि से हीलिंग एनर्जी निकलेगी और अनेकों के रोग ठीक होने लगेंगे। तो आइए हम संपूर्ण निर्विकारी स्थिति की ओर तीव्रता से अग्रसर हों। हमारे संकल्प भी निगेटिव ना हो, बिल्कुल पॉजिटिव। और संकल्पों की स्पीड बस 25 से घटकर 8-10 संकल्प प्रति मिनट रह जाए और ये बिल्कुल नेचुरल हो जाए। हम इतने अभ्यास कर लें सदीरीपन के, साक्षी भाव के, निसंकल्प रहने के, कि हमारी संकल्पों की स्पीड बढ़े ही नहीं। ये हमारी संपूर्ण निर्विकारी स्थिति होगी। इस पर हम बहुत ध्यान दें। इसी स्थिति को प्राप्त होते होते हम संसार के सभी आकर्षणों से और इसके उलझनों से भी ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि यदि ये भी हैं तो हमारी शक्तियां नष्ट होती रहेंगी। तो आज सारा दिन हम तीनों लोकों की सैर करेंगे। इस देह में अवतरित आत्मा
सूक्ष्म लोक में बाप दादा से मिलन, उनसे गले मिलेंगे, दृष्टि लेंगे और परम धाम में ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे रहेंगे और हर घंटे में एक दो बार तीनों लोकों की सैर करके आज के दिन को योग युक्त बिताएंगे। बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।